जिला पंचायत की सामान्य सभा में अधिकारियों पर जमकर बरसे जनप्रतिनिधि। क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही पर गूंजा सदन। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही का मुद्दा गरमाया। जिला पंचायत सीईओ पर अधिकारियों की लापरवाही के मामले में संज्ञान नहीं लेने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को रखी गई। इस बैठक में क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताया। जिला पंचायत सीईओ के ऊपर भी इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता और जिला पंचायत सीईओ हरीश एस की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों के बैठक से नदारद रहने और कार्यों के निराकरण में हिलावाली पर सदस्यों ने आपत्ति जताई और नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही गई। विभाग में तखतपुर कन्याशाला में 2019 से अटैचमेंट है पेंड्रा में, दानवेंद्र सिंह पीटीआई है, वो 2019 से लगातार अविभाजित जिला बिलासपुर थे उस समय से अटैचमेंट है, उसको बता रहे हैं कंटिन्यू वो पेंड्रा में है, क्योंकि वहाँ पेंड्रा का रहने वाले अपनी सुविधा अनुसार नौकरी कर रहे हैं और तखतपुर से ही उसकी तनख्वाह निकल रही है। हम चाहते हैं कि वो तत्काल तखतपुर कन्याशाला में पदस्थ किया जाए और वहाँ पीटीआई के शिक्षक जो बच्चे बच्चियाँ अपनी नहीं कर पा रही गतिविधियाँ उनमें वो आकर संलग्न हों और तखतपुर का अगर तनख्वाह निकल रहा है तखतपुर स्कूल से तो वहीं पदस्थ मूल शाखा में। जहाँ तक बात बिल्हा में बीओ के द्वारा वो मातृत्व अवकाश के लिए सभी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है, हम मांग किए हैं बीओ साहब से कि भौतिक सत्यापन कराकर सभी एप्लीकेशन का जांच करें, कितने आवेदन आए हैं उसके बाद उन्हें सभी को मातृत्व अवकाश दिया जाए। शासन के द्वारा दिए गए नियमों का लाभ हर कर्मचारी को मिलना चाहिए और छोटे छोटे कर्मचारियों को इस तरह से परेशान करके पैसे उगाही की जो इन लोग के द्वारा वो किया जा रहा है उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। अगर यह मामला अभी नहीं सुलझेगा तो मैं जाकर बिल्हा बीओ ऑफिस भी में ये बात उठाऊंगा और सभी प्रताड़ित लोगों को लेकर के वहाँ प्रदर्शन करूंगा। इस तरह की क्रियाकलाप बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे राज्य शासन की बदनामी हो। बैठक में शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला भी उठा। कांग्रेसी नेता एवं जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पांडे ने तखतपुर क्षेत्र में गलत तरीके से शिक्षा के अटैचमेंट का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही वर्तमान बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर मात्र अवकाश के नाम पर महिला कर्मचारियों से वसूली करने के मामले में भौतिक जांच कर कार्रवाई की मांग रखी। इसके अलावा सामान्य सभा की बैठक में बारिश का मौसम में किसानों को खेती किसानी करने में कोई समस्या न आए इसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके अधिकारियों से खाद बीज की उपलब्धता पर भी जानकारी ली गई। जिला पंचायत सदस्य अंकित गढ़ा ने विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी ध्यान नहीं देने की बात कही। वहीं विभागियों ने ऐसे रवैये पर जिला पंचायत सीईओ हरीश एस के द्वारा रोक नहीं लगाने का आरोप भी लगाया। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में हर बार अपने क्षेत्र के विभिन्न विभागों की समस्याओं को लेकर हम लोग सदन में अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें जिन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जो उम्मीदें होती हैं उसके अनुरूप समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है और लगभग यह 2.5 वर्ष से लगातार ऐसा होता आ रहा है और हर बार हम लोग अपने जिला पंचायत सीईओ से निवेदन करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन इस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया। बहुत सारे अधिकारी ना। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, सीजी विजन टीवी।